अगली बार मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मुझे जिंदगी से चुरा चुरा के पल नहीं गुजारने आपके साथ। ये दोनों किससे बात कर रही है? तो त्रिपाठी है, शमिता वाले केस का कमेटी मेंबर। इस ऑफिस बहुत ही सेफ है। आई नो सर, ये तो मुझे तभी समझ में आ गया था जब आपने मुझे वापस नौकरी पे रखा। पर सर, ऑफिस में मुझे सब पूछते रहते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। माया मासी और तेजी आंटी इससे क्या जानना चाहती है? तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी। मोहब्बत, शरबत है मोहब्बत। कुछ भी। What, सच में इसे शरबत है मोहब्बत कहते हैं? शरबत है मोहब्बत? Yes. क्यों? इश्क को इश्क क्यों कहते हैं? चक्की देखिए, इसके स्वाद का और कोई नाम हो ही नहीं सकता। वैसे ही शरबत मोहब्बत को शरबत मोहब्बत क्यों कहते हैं? चक्के देखिए। थैंक यू।
सुकून है? दिल को पहुंचे वो ठंडक। मोहब्बत का भी इस दुनिया में एक स्वाद है। शरबत में घोल के परोसा, प्यार है। बेनाम रिश्तों की मंजिल के आड़े हैं खाली रिश्ते। हम क्या कहता न कोई पर किश्तों में चुभते हैं खाली रिश्ते। मंजूर है हर गम दिल को, बस ले चल संग अपने हमको। तेरे बिना जीना क्या है, जैसे सब बेपरवाह है। ये केस ना बहुत लंबा चला था और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ऐसे केसेस में सिर्फ बातें नहीं होती, ऐसे इंटरोगेशंस में बहुत गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं। तो याद करिए ना, आई एम श्योर आपको कोई बात याद आएगी जिसने आपको सरप्राइज किया हो। दीदी, मुझे लगता है ये एक्सरसाइज बेकार है। आप तो जानती हैं वियान को कैसा है। दीजी, मैं जो कर रही हूँ तेरे लिए कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ तो तेरे लिए कर रही हूँ। मुझे अपनी तसल्ली कर लेने देना। त्रिपाठी जी, कुछ याद आया आपको? मैं आपके लिए और कॉफी मंगाती हूँ। नहीं नहीं माया जी, कॉफी नहीं माया जी, प्लीज। मैं सोच रहा हूँ। थोड़ा और सोचिए प्लीज। आपने सरप्राइज की बात की जी, कुछ तो हुआ था जिसने मुझे हैरान किया था। एक मिनट। हाँ, मिस्टर रघुवंशी ने अपने स्टेटमेंट में कुछ कहा था जिसके बाद मिस्टर रघुवंशी और कथा के बीच में गर्मा गर्मी हुई थी। आपने सभी औरतों को सेल्फिश और गोल्ड डिगर कहा है। वर्किंग वुमेन को लेकर मेरी सोच बहुत नैरो थी। आई यूज्ड टू थिंक सक्सेसफुल मेन लड़कियों की ये सिर्फ सक्सेस का शॉर्टकट होते हैं। मैंने कुछ महीने पहले समझा कि वर्किंग वुमेन को जज करना या किसी भी औरत को जज करना मेरा कोई हक नहीं है। बस इतना ही, मतलब व्यान ने अपनी गलती मान ली थी, बस इतना ही। नहीं, इस स्टेटमेंट के बाद कथा ने उसे एक सवाल पूछा था। ओके, कैसा सवाल? और मुझे ये भी नहीं पता कि शमिता ने मुझे अक्यूज क्यों किया है। मैं ये कभी कर ही नहीं सकता। आर यू श्योर आपने पहले कभी किसी को ऐसा ऑफर नहीं दिया कि वो पैसों के बदले में आपके साथ एक रात बिताए? एक बार। इस बात के बाद तो जैसे मिस्टर रघुवंशी की एनर्जी ही चेंज हो गई थी। वो हारे हुए से लग रहे थे और कथा तमतमा रही थी, जैसे उसे मिस्टर रघुवंशी की इस गलती के बारे में पहले से ही पता हो। ओके। पर एक बात ने मुझे हैरान किया, मतलब कि ओह गॉड, ये कहां से आ गई? आपसे बात हो चुकी है त्रिपाठी जी, अब आप जा सकते हैं। आधे पैसे बैग में हैं, आधे पैसे काम होने के बाद, अगर काम पूरा हुआ तो। मैं समझ गया मैम। वेरी गुड। शैली आई। अरे कैसी हो बेटा? ठीक हूँ आंटी। कैसे आना हुआ? व्यान तो घर पर नहीं है। मिला है मासी से? जरा हमें भी बताइए क्या बात हुई। अरे बताइए बताइए, हमें भी थोड़ा विस्तार से बताइए ना। यार आप सब लोग बस धमकी देते रहते हैं। अंदर माया जी ने धमकी दी क्या से, और बाहर आप डराने पर तुले हुए हैं। अरे नहीं 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 त्रिपाठी जी, डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि आप
जो भी मुझे बताएंगे साफ साफ बताएंगे, जो भी अंदर बात हुई है ना बताएंगे ना, तो बताइए। बताता हूँ, पर इस समय मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैं वियान भाई का वेडिंग गिफ्ट लाई थी मम्मा और मेरी तरफ से। हाउ डेयर यू, तुम्हारी माँ तोहफा दे चुकी है मुझे और वियान को कई साल पहले ही, और ये मेरी पूरी जिंदगी के लिए काफी है, समझी तुम? दीची, क्या कर रही हो? बच्ची से ऐसे बात करते हैं? I'm so sorry. ये तो मुझे दे दो, मैं वियान को दे दूंगी। अब जा। थैंक यू आंटी। क्या कर रही हो दीजी, क्या कर रही हो तुम? ये वक्त गुस्सा होने का नहीं है, इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग बनने का वक्त है। इस गुस्से से एनर्जी लो और इस एनर्जी को कथा और व्यान की शादी को तोड़ने में लगाओ। त्रिपाठी से बात करके हमें फायदा होगा, ये मुझे पहले से पता था। मुझे व्यान से ये उम्मीद नहीं थी कि किसी लड़की को वो पैसों के बदले ऐसी परवरिश तो मैंने नहीं दी थी, मेरे बच्चे को नहीं दी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, व्यान ऐसा नहीं कर सकता। तेजी, संभाल खुद को। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि व्यान ने जो किया वो गलत था या नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि क्या ये बात इस शादी को तोड़ सकती है। एग्जैक्टली क्या हुआ है ये अभी तक हमें पता नहीं, लेकिन कुछ जरूर हुआ है जिसके बारे में हमें पता लगाना है। इसलिए प्लीज अपने इमोशंस को साइड में रख और दिमाग से काम ले। कैन यू डू दैट? क्या हुआ अंदर? माने क्या हुआ अंदर? वही जो एक्सपेक्टेड था, जो मैंने होप किया था वो नहीं हुआ। अब बताएंगे आपने क्यों भेजा था मुझे अंदर मेरी इंसल्ट करवाने के लिए? माने आई एम जेन्युइनली वेरी सॉरी यार, लेकिन अगर तुम अंदर ना जाती ना तो वो आदमी बाहर ना आता जिससे मुझे बहुत जरूरी बात करनी थी। मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि माया मासी की आगे की चाल क्या है और वो चाहती क्या है। क्या चाहती है? सच में तुम्हें अभी बता नहीं सकता और झूठ मैं तुमसे बोल नहीं सकता। ओ, आप और झूठ नहीं बोल सकते तो इतनी सारी लड़कियों को आप सच बोल बोल के घुमाते हैं। यार एक सेकंड, तुम्हें इस बात की खुशी नहीं कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता? ओके फाइन व्हाटएवर, तो सच बता दीजिए ना, जब भी बताएंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा जब जब सही समय आएगा। अभी तुम जाओ प्लीज, मुझे बहुत लेट हो रहा है, प्लीज। जाओ मतलब कहाँ जाओ? हमें साथ में जाना है ना संगीत प्रैक्टिस के लिए, गरेवाल हाउस जाना है, कथा भाभी वियान भाई वहीं आते होंगे तो साथ में चल लेते हैं। मेरी डेट अलीजा के साथ, कुछ इंसान की पर्सनल लाइफ नहीं हो सकती क्या? प्लीज जाओ, मैं उसको साथ लेकर आऊंगा। खुश ओके प्लीज गो नाउ। कितने ज्यादा सेल्फिश हैं आप। हमारी रिसर्च के हिसाब से हमें लास्ट पता चला कि कथा आखिर में व्यान से मिली, राइट? उसके बाद ओवरनाइट सडनली उसके पास 1 करोड़ रुपया आ गया मैजिक से। केस के दौरान कथा के क्वेश्चंस व्यान के आंसर्स ने मेरा शक उन दोनों पर और पक्का करते जा रहे हैं। आई एम श्योर कथा और व्यान किसी अंडरस्टैंडिंग पर जरूर पहुंचे हैं, लेकिन कथा के पास तो बहुत बड़ा रीजन था। वो डेस्परेट थी, उसे अपने बच्चे की जान बचानी थी, पैसों की जरूरत थी, उसे 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी। अगर इसके लिए उसे किसी के साथ सोना भी पड़ता तो आई डोंट थिंक वो पीछे हटती। उसका तो समझ में आता, लेकिन व्यान क्यों? व्यान क्यों किया तूने ऐसे? तेजी, बच्चे हमारे बच्चे होने के साथ साथ अपनी एक पर्सनालिटी भी रखते हैं, यू अंडरस्टैंड? अब व्यान ने जो किया, सही किया, गलत किया, जो भी किया, वो उसका डिसीजन था। उसके पीछे अब उसकी अपनी एक सोच होगी, एक रीजनिंग होगी। इसमें तेरी परवरिश की कोई बात नहीं आती, कोई दोष ही नहीं तेरी परवरिश का। हमें बस ये सोचना है कि अगर ये बात सच है कुछ हो सकता है, इनफैक्ट बहुत कुछ हो सकता है। अपना काम तो आपने मुझे यहाँ बुला लिया और अब टरका रहे हैं।
आई फील बैड फॉर लीजा, तरस आता मुझे उस पे। मतलब जाओ मतलब क्या, आप मुझे छोड़ के आओ। अरे मुझे लगता था तुम एक इंडिपेंडेंट लड़की हो, तुम्हें ये यू नो कहीं पिकअप करना ड्रॉप करना किसके साथ जाना तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। पर तुम्हें ड्रॉप करना ठीक है, कर दो तुम्हें ड्रॉप, इसमें ओके क्या, लगाओ सीट बेल्ट। नहीं कर देता, जो कुछ कर रहा हूं ड्रॉप, मैं खुद भी जा सकती हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इनफैक्ट मैं जा रही हूं। ओके बाय। देख लूंगी मैं आपको। सॉरी वान्या, इस वक्त मेरे पास कुछ भी समझाने का टाइम नहीं है। अगर मैंने जल्दी नहीं की तो माया मासी विहान की शादी रुकवा देंगी। विहान है? अननोन नंबर, मे बी विहान कहीं से फोन कर रहा हूं। माँ, हाय हाय, विहान है माँ। अरे तू कहाँ है विहान? माँ, आई एम सो सो सॉरी। एक्चुअली ना मैं आपको एक होटल से फोन कर रहा हूँ। हमारी गाड़ी एक सुनसान जगह पे खराब हो गई थी माँ। बहुत मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे, बट डोंट वरी, एवरीथिंग इज ओके, आई एम ओके, कथा इज ओके, गाड़ी भी फिक्स करवा देंगे एंड कल सुबह पिक करवा लेंगे, उसके बाद हम लौटेंगे। जस्ट माँ, आज रात हमें होटल में रुकना पड़ेगा। अच्छा ठीक है बेटा, थैंक गॉड तुम दोनों सेफ हो। सुबह घर जल्दी आ जाना, हम वेट करेंगे तेरा। ओके कूल। व्यान। हाय मासी। किसी बात की कोई चिंता मत करना, ओके? बस तुम लोग रेस्ट करो, ओके? यहाँ मैं कविता जी को भी फोन करके इन्फॉर्म कर दूंगी, ऑलराइट? परफेक्ट मासी, जस्ट शादी से पहले ऐसे यू नो जस्ट किसी को अजीब ना लगे बस। ओ कम ऑन व्यान। अरे तू पेरिस में होता ना तो लिव इन के बगैर तेरी शादी नहीं होने देती। सो जस्ट रिलैक्स, ओके? ध्यान रखना अपना। ओके ओके बाय, एंजॉय। बाय। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये लोग वापस नहीं आ रहे। आई एम ग्लैड, अब मैं अपना काम कर सकती हूँ। सो आपको याद है मैंने आपसे कहा था मेरा आइडिया ऑफ शादी इससे बहुत अलग था। मेरे लिए शादी बस हम दोनों का साथ में आना, पास में आना था। एक छोटा सा प्यारा सा इंटीमेट सा फंक्शन और हम दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले हुए ये वचन लेते हुए कि हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। मुझे याद है आपने कहा था कि आपको ये सब शादी की तैयारियां ये शोरगुल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा मेहमान। मैंने आपसे कहा था कि ये सब हमारी फैमिलीज और हमारी दोस्तों की खुशी के लिए, क्योंकि हमारी खुशी तो हमें एक दूसरे से मिलती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस वक्त मेरी सारी खुशी इन आंखों में ही है। सब कुछ से मुझे भी ओके नो नो ओके ओके मुझे, मैं थोड़ी शायर हूँ। हाँ मुझे भी एंड यू नो व्हाट, शायद ये बात यूनिवर्स को बता दी, इसे देखिए ना हमें फिर से यहाँ साथ लेकर आई है। तो यूनिवर्स का जो तरीका था हमें साथ लाने का बहुत ही खतरनाक था। Yes. नहीं नहीं यूनिवर्स जी वो कुछ नहीं ऐसा बोल रही, प्लीज लिसन, सिचुएशन नो सिचुएशन जैसे भी हो, डजंट मैटर सिचुएशन जैसे भी हो, यूनिवर्स ने अपना काम कर दिया है। आप हैं ना मेरे साथ यहाँ, दैट्स इट। कल के शोर से पहले, हमारी शादी से पहले हमारे पास एक रात है जहां बस आप और मैं हैं। मांगिए जो वचन आपको मांगना है, मैं किसी के भी मना नहीं करूंगा। आप पहले ही मुझे बहुत सारे वचन दे चुके। शादी से पहले ये नजदीकियां, क्या यही आपके संस्कार है मिसेस सिंह? मेरी शादी तो आपसे पहले ही हो चुकी है,
जब मेरे मंकी ने अपने पापा को ढूंढा था और यूनिवर्स का मैजिक देखिए, वही सेम इंसान मुझे भी वसंत था। वाओ, सो हूज दिस वेरी लकी खुशनसीब इंसान, मुझे बताइए इसके बारे में। वो शायर साहब जो मेरे सामने खड़े, जिनकी धड़कनें मैं सुन पा रही हूं, जिसके कारण आज मेरी धड़कनें बहुत बढ़ गई थी। आज मैं बहुत डर गई थी व्यान। क्या बात कर रही हो? मिस कथा सिंह किसी से डरती भी है? अपने लिए ना से, अपनों के लिए तो डरती है आपकी कथा सिंह। वाओ, काफी रिस्पॉन्सिबल साउंड करती है ये मिस सिंह। बहुत रिस्पॉन्सिबल, इसलिए मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती और अपनी बची हुई जिंदगी सिर्फ आपके साथ ऐसे ऐसे गुजारना चाहती हूँ। हमारे ऑफिस की होटल बुकिंग्स कौन हैंडल करता है? हमें जीतू भाई से बात करनी पड़ेगी। व्यान ने एक होटल बुक किया था, मुझे याद ही नहीं आ रहा उसका नाम। कहीं व्यान की होटल बुकिंग्स की हिस्ट्री चेक तो नहीं कर रही है? ये कैसे हो गया? कौन है जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है? मैम, ये आरो बाबा का बैग व्यान सर के रूम में रख दो। कोई जरूरत नहीं है व्यान के रूम में रखने की, जाओ जाके स्टोर रूम में रख दो इसे। बस एक बार व्यान और कथा की शादी टूट जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ।